अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं लेक्चर नंबर 37 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और हमने पिछले लेक्चर से चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर को शुरू किया हुआ है और आज हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What are the main functions of operating system? यानी operating systems के main क्या functions हो सकते हैं? तो उसमें जो सबसे पहला है वो है process management, memory management, input output device management, file management, resource management and user management. तो इसको हम बारी बारी एक एक मैनेजमेंट को पढ़ते हैं ताकि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कंप्लीट डिटेल हासिल हो। तो सबसे पहले हम प्रोसेस मैनेजमेंट को उठाते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एक ऑपरेटिंग सिस्टम। जो प्रोसेस मैनेजमेंट है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। यानी जब भी कोई प्रोग्रामर ऑपरेटिंग सिस्टम लिखता है तो वो प्रोसेस मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है क्योंकि ये ओवरऑल फंक्शनैलिटी को डिनोट करता है। अ प्रोसेस क्या है? ए प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस क्या है? जो प्रोग्राम रन कर रहा है यानी रनिंग हालत में है उसको हम प्रोसेस कहते हैं। मैं थोड़ी देर में आपको प्रैक्टिकली इसको करके दिखाता हूँ। इन अ कंप्यूटर सिस्टम मल्टी प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटिंग कंकरेंटली आर वेटिंग फॉर देयर टर्न टू बी एग्जीक्यूटेड। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस या तो इकट्ठे रन हो रहे होते हैं या फिर एक दूसरे का इंतजार करते हैं कि ये प्रोसेस खत्म होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा। या जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपका नेट नहीं आ रहा और आपने गूगल क्रोम खोल दिया है तो अब जो गूगल क्रोम है वो खुल तो जाएगा लेकिन नेट नहीं आएगा। वो जो नेट कनेक्टिविटी का जो प्रोसेस है उसका इंतज़ार करेगा कि वो कनेक्ट हो जाए तो फिर मैं ये नेट पे जो आपने सर्च किया या ब्राउज किया उसको खोलूंगा। तो ये प्रोसेस एक दूसरे का फिर इंतज़ार करते हैं जब वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। अच्छा जी, आगे द ओएस मस्ट एलोकेट रिसोर्सेज टू प्रोसेस एंड एनेबल प्रोसेस टू शेयर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड प्रोटेक्ट द रिसोर्सेज ऑफ ईच प्रोसेस फ्रॉम अदर प्रोसेस। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या जिम्मेदारी होती है? जब कोई प्रोसेस रन होता है, प्रोसेसर जब उसको एग्जीक्यूट कर देता है तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की एक जिम्मेदारी ये होती है कि वो उन जो जितने भी प्रोसेस है उनको रिसोर्सेज एलोकेट कर दें और एनेबल प्रोसेसेस टू शेयर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। जितनी भी प्रोसेसेस चल रहे होते हैं कंप्यूटर के ऊपर वो तमाम प्रोसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं यानी एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ये आने वाले जब आप एडवांस कोर्स में पढ़ेंगे इसकी ये बहुत ही एडवांस किस्म का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये पूरा एक बुक है, इसके ऊपर एक सब्जेक्ट है ये, तो उसमें आप डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे बस सिर्फ इतना ही कि जितने भी प्रोसेसेस रन हो रहे थे वो एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं एंड प्रोटेक्ट द रिसोर्सेज ऑफ ईच प्रोसेस फ्रॉम अदर प्रोसेस। ये नहीं हो सकता कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस का वेट भी ना करे और इकट्ठे ऑन हो और फिर दोनों ही ऑन ना हो सकते हो। यानी ये एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन के तहत होता है। अब मैं आपको एक विंडो दिखाता हूँ जिसमें आपको ये प्रैक्टिकली नज़र आएगा। डियर स्टूडेंट, ये आप प्रैक्टिकली ये देख सकते हैं
ये टास्क मैनेजर है। इसमें अगर आप देख रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो ये सारे हमारे रिसोर्सेज हैं। ये देखिए सीपीयू अभी 40% बिजी है, वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे बैंडीकैम जो रिकॉर्डिंग का जो सॉफ्टवेयर है, जिस वक्त मैंने ऑन किया हुआ है जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है, वो 5 to 10, 14%, 20% तक क्या कहते हैं सीपीयू को इस्तेमाल कर रहा है, और मेमोरी 65 MB मेमोरी इस्तेमाल कर रहा है, और डिस्क का 0.1 MB पर सेकंड का जो स्पेस है वो उसने लिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं ये बहुत सारे प्रोसेसेस रन कर रहे हैं। ये सारे क्या है, ये प्रोसेसेस हैं, एक्चुअली ये प्रोग्राम है। चूंकि इस वक्त ये रनिंग में है तो इसको हम प्रोसेस कहते हैं, ये प्रोसेस रनिंग, प्रोग्राम्स रनिंग। प्रोग्राम जब रन कर रहा हो तो उसको हम एक प्रोसेस कह सकते हैं। इसी तरह आप अपने जो प्रोसेसर है उसकी परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। ये देखिए आप लाइव देख सकते हैं कि इस वक्त जो आपका प्रोसेसर है वो कितना बिजी है। ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रहा है, ये मेमोरी है, ये देखें वाईफाई है, ये डिस्क है, हार्ड डिस्क जो है, और ये सीपीयू की परफॉर्मेंस है। इसी तरह ये एप्लीकेशन की हिस्ट्री है, जितनी भी एप्लीकेशंस उससे पहले खुली हुई थी ये तमाम उसकी हिस्ट्री आ रही है। ये स्टार्टअप है, ये यूज़र है, ये डिटेल्स हैं कि इस वक्त कितने इन एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं। ये सारे ये देखें, ये रनिंग हालत में आप देख रहे हैं, ये सर्विसेज है सारे। तो ये आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली, इसको प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है जी, तो चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस फॉर यूजर प्रोग्राम इन मैन मेमोरी। व्हेन प्रोग्राम्स आर रन बाय यूजर, द ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स पोर्शन ऑफ फ्री मेमोरी टू प्रोग्राम्स। जब भी, अभी मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं, जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने टास्क मैनेजर में आपको विंडो दिखाई है, तो वहां पे मेमोरी भी शो हो रही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो हर प्रोग्राम को जितनी उसकी मेमोरी रिक्वायर्ड है वो उसको एलोकेट करते हैं, ताकि वो प्रॉपरली रन कर सके। तो ये क्या है, ये जितने भी फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे प्रोसेस है जिसके पास मेमोरी ज़्यादा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, उनको फ्री कर देते हैं, उनसे मेमोरी लेके इनको दे देते हैं। फिर जब ये रन कर जाते हैं इनसे लेके किसी और प्रोसेस को दे देते हैं। तो ये तमाम जो मैनेजमेंट है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली लोड्स यूजर प्रोग्राम इन अवेलेबल मेमोरी स्पेस एंड एग्जीक्यूट देम। इसके साथ साथ उसकी एक और भी जिम्मेदारी हो सकती है, वो ये कि जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं, क्लिक करते हैं, तो मेमोरी मैनेजमेंट का जो पोर्शन है वो क्या करता है, वो सबसे पहले उस प्रोग्राम को हार्ड डिस्क उठा के मेन मेमोरी में लेके आता है और एग्जीक्यूट कर देता है, रन कर देता है, और उसको स्पेस भी एलोकेट करता है, तब जाके वो चीज़ आपको रनिंग हालत में मिलती है। तो ये है प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट, ये फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम थे। उसके अंदर दो फंक्शन हमने पढ़ लिए, बाकी फंक्शन इंशाल्लाह आने वाले लेक्चरों में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।